आज जो मैं हिंदी शिक्षक नंदिनी कुमार तिवारी इस वीडियो में कक्षा 9 के अच्छे विद्यार्थियों को उनकी पाठ्यपुस्तक के भाग 1 पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद, लिखा है इसको जाबिर हुसैन। इस पाठ का सारांश बताने चल रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, पुस्तक आप लोग घर पे खोल के पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, क्यों मैं इसका सारांश बताने चल रहा हूँ। जाबिर हुसैन इसके लेखक हैं। सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे, पूरे भारत देश में उन्होंने भ्रमण किया और कई प्रजातियों के पक्षियों की खोज की, पक्षियों के ऊपर कई पुस्तकों की रचना की, उनके विषय में लिखा है जाबिर हुसैन। जिस दिन सालिम अली की मृत्यु होती है तो उनके साथ पीछे पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलने लगती है, माने जब उनका जनाजा उठता है तो बहुत बड़ी भीड़ पीछे पीछे चलने लगती है। पाठ को ध्यान से देखिएगा, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस पनपक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की मौत में जा बसा हो। पक्षी, उस आखिरी पक्षी, सालिम अली को ही पक्षी बताया है, उस आखिरी पक्षी के समान मौत की गोद में जा बसे हैं। कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, माने कोई अपना शरीर उनको दे दे, कहते ले लीजिए हमारा शरीर, और जो सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, दिल की धड़कन उनको दे दे, तब भी उनको दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। उसके बाद पूरे पाठ में सालिम अली के विषय में जाबिर बताते हैं। एक घटना इस पाठ में बताते हैं लेखक सालिम अली के विषय में कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध कर लेकर चौधरी चरण सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनसे मिले। साइलेंट वैली एक ऐसी जगह थी जहाँ हरियाली थी, बहुत तरह से पेड़ पौधे थे तरह तरह के, और वहाँ कई प्रजाति के पक्षी रहा करते थे, और रेगिस्तान के हवा के झोंकों से वह साइलेंट वैली जो थी, शांत खाड़ी केरल की थी, वो प्रभावित हो रही थी। उससे बहुत से पक्षियों के विनाश की संभावना थी, इसलिए एक प्रस्ताव ले जाकर के सालिम अली प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं। चौधरी साहब, गांव की मिट्टी पर पलने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। इस तरह से पर्यावरण और पक्षियों के विषय में सालिम अली पूरे जीवन भर शोध करते रहे। हाल आप एक स्पैरो, सालिम अली की अपनी आत्मकथा है, इसका मतलब है हाल आप ए स्पैरो एक गौरैया गिरी। इन्होंने अपने बंदूक से एक बार एक नीलकंठ का शिकार किया, वो नीचे गिरा और उसी ने इनकी जीवन यात्रा को परिवर्तित कर दिया। बचपन के दिनों उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी में खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस एक पक्षी वैज्ञानिक थे, विदेश के थे, एक एक गौरैया उनके जीवन चरित्र के विषय में जानती थी, किस तरह से अपने घर की छत पर वो पक्षियों को पाल रखे थे, उसी तरह से वो भी स्वाभाविक रूप से पक्षियों के विषय में जानकारी रखते थे। मैं समझता हूँ कि आप पाठ को पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई
बाकी हम प्रश्नोत्तर और प्रश्नोत्तर की वीडियो अलग से आपको देंगे और नोट्स में प्रश्नों को ध्यान से आधारित